गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी के आदेश से शाहपुर और गोरखनाथ क्षेत्र में 21 से 27 जुलाई तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है निर्णय। मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। UPPCL के प्रोजेक्ट मैनेजर सहायक अभियंता अशोक कुमार का वेतन रोकने के साथ दोनों फर्मों का ब्लैक लिस्ट करने के दिए निर्देश। जिले के नोडल अधिकारी ADG ATS DK ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक। COVID-19 के कार्यों और अधिक प्रभावी बनाने के साथ टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए SDM सदर ने मंगलवार को 3 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के लिए DM से मांगी अनुमति। कहा, DM के संस्तुति के बाद ही मंगलवार से कैंट, शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लगेगा लॉकडाउन। जिलाधिकारी के द्वारा 14 जुलाई के नए जारी रोस्टर के अनुसार शनिवार और रविवार के पूर्णतः बंदी की ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल स्विगी और जोमेटो ने किया खुली अवहेलना। डिलीवर कराया डोमिनोज का पिज्जा, डिलीवरी बॉय ने कहा जिलाधिकारी ने उन्हें अलग से दिया है परमिशन। गोरखपुर में पहली बार एक साथ पाए गए नए 112 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1103। अब तक 541 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। वहीं 539 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इलाज। अब तक कोरोना से संक्रमित 23 मरीजों की हो चुकी है मौत। CMO डॉक्टर श्री कांतिवारी ने की पुष्टि। तहसील सदर में एक और कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने तहसील परिसर को 48 घंटे के लिए किया कंटेनमेंट घोषित। तहसील के सभी कार्यालय रहेंगे बंद। साप्ताहिक बंदी के दूसरे दिन रविवार को भी महानगर में पसरा रहा सन्नाटा। SP सिटी ने कहा, साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने में जनता का रहा पूरा सहयोग। पिपराइज पुलिस ने 10,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और जिले में बदला मौसम का मिजाज, हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली उमस और गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई तक बारिश के हैं आसार।